सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के हाजिर हुआ हूं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित इस कॉमिक्स का रिव्यू, जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे नाग प्रलय भाग एक लिखा हुआ है इस पर। ये मैंने पढ़ ली है पूरी तरीके से। इवन यही नहीं, आपको जितनी भी कॉमिक्स दिख रही हैं इस टेबल पर वो सारी मैंने पढ़ ली है। अभी आधी पर भी मैं पढ़ चुका हूँ, उसका भी डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँगा मैं। इस वीडियो में केवल नाग प्रलय की बात करी जाएगी। तो नाग प्रलय की शुरुआत की जो कॉन्सेप्ट की शुरुआत है वो होती है नागराज के प्रथम पांच कॉमिक्स के संयुक्त संस्करण युगारंभ से, जिसमें कि पांच कॉमिक्स को कंबाइंड करके हमको एक कलेक्टर एडिशन बना करके दिया गया, जिसमें ये पांच कॉमिक्स शामिल हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप चाहे तो युगारंभ का अनबॉक्सिंग वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि कौन कौन से कॉमिक्स हैं, कौन कौन से कॉमिक कवर्स और किस तरीके की नॉवल्टीज हमको उसमें मिल जाती हैं। ये पांच कॉमिक्स हैं नागराज की शुरुआती पांच कॉमिक्स हैं। 1986 में प्रकाशित हुआ था नागराज का पहला कॉमिक्स ये, इसका कलेक्टर एडिशन हमें युगारंभ के रूप में मिला। और इस वर्ष को जो कि 2021 है, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने इसको युगारंभ वर्ष घोषित करा। और ये जो लोगो भी थोड़ा चेंज करा, शुरुआत में उन्होंने इस तरीके का लोगो रखा था अपने कॉमिक्स के लिए, फिर उन्होंने बाद में राज कॉमिक्स का जो पैटर्नल लोगो है उसे बरकरार रखते हुए यहाँ पर बाय संजय गुप्ता इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर एक जो है सील की तरह दिख रहा है, मोहर की तरह, जो आधा राज कॉमिक्स के लोगो पर है, आधा जो है नीचे है। अब और थोड़ा सा चेंज करा गया, जो नई कॉमिक्स आई हैं आदि पर्व है या नाग प्रलय है, उसमें ये जो बाय संजय गुप्ता लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया गया, तो इस लोगो में ही ये समाहित हो चुका है। और संख्या जो पहले इस लोगो में दी जाती थी वो इसके नीचे दी जाने लगी है अलग से। तो लोगों को लेकर के एक्सपेरिमेंट जारी हैं। युगारंभ कॉमिक्स जो कि एक नया कॉमिक्स नाम करके कंबाइंड एडिशन था, ये एक प्रीमियम कलेक्टर एडिशन है जो कि 1499 या 1500 रुपये की कीमत के साथ में आता है, और यही पेपर बैग में 420 रुपीज़ में अवेलेबल था। काफ़ी सारे प्रीमियम फ़ीचर्स थे इसकी वजह से ऐसा हुआ। आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो चेक कर सकते हैं, वो कौन कौन से प्रीमियम फ़ीचर्स हैं जो इसको इतना कॉस्टली बनाते हैं। तो खैर, न्यू आर्ट है इसमें डिफरेंट आर्टिस्ट का। और जब हमने इस प्रीमियम एडिशन को पढ़ा, मैं इसकी जो ये एडिशन मुझे प्राप्त हुआ है, जो कॉपी मुझे मिली है, इसमें कुछ मुझे कमियाँ लगी, अब वो भी मैं अपने अनबॉक्सिंग वीडियो में बता चुका हूँ कि देखिए इसको खोलते ही पता लगता नहीं कि नया एडिशन है। देखिए यहाँ पे जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको, न्यू कॉमिक्स जब खरीदते हैं तो वो चिपका हुआ आता है और आपको कॉमिक्स जो खोलने में एक अलग एहसास होता है। इसको देख करके या तो ये विशेष प्रकार का बनाया गया है इंटेंशनली, या फिर जो है ये जैसा मैंने अपनी थ्योरी बताई थी कि एक रिटर्न पीस हो सकता है। युगारंभ के बारे में वो पूरी थ्योरी आप जान पाएंगे उस अनबॉक्सिंग वीडियो में कि वो क्या थ्योरी थी, किस तरीके से ये एक रिटर्न पीस हो सकता है। तो जब इस एडिशन की विशेष चीज़ें हमने देखी कि इसमें किसी तरीके के एक्स्ट्रा कंटेंट हमें मिले, तो उसी के साथ हमें चार पेजेस एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिले थे। ये जो चार एक्स्ट्रा पेजेस हैं इसको किस तरीके से कंसिडर करें आप, अगर मेरा महामानव की गवाही का वीडियो चेक करेंगे, जो ध्रुव के फैन होंगे उनको पता होगा कि मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन, ये दो विशेषांक आए थे सुपर कमांडो ध्रुव के 1985 की बात है। 2014 में उनके बीच में एक और स्टोरी डाली गई, दो कॉमिक्स थे उनके बीच में, 16 पेज की एक एक्स्ट्रा स्टोरी डाली गई श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा और ऑफ कोर्स राज कॉमिक्स की टीम के द्वारा। तो उन्होंने जो एफर्ट करा, जो तरीका था, वो शायद पहली शुरुआत थी ऐसी चीज़ों की कि एक न्यू स्टोरी ओल्ड स्टोरी आर्क के बीच में फिट कर दी गई है। वैसे ही ये जो युगारंभ एडिशन है, मैं इसके बाद का एडिशन लेकर के आता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो पाएगा आपको वीडियो पॉज करके। ये देखिए नागराज वृतांत एक, इसमें भी पांच कॉमिक्स का संग्रह है। इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो या डिटेल वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा। और नागराज वृतांत दो, इसमें भी पांच कॉमिक्स का संग्रह है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है समझने में, पांच पांच पांच, यानी कि एक से लेके पांच तक युगारंभ। आप कंफ्यूज ना हो कि मैं नाग प्रलय में ये बात कहाँ से लाया है, सारा कनेक्शन आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ यूट्यूब पे अदर भी वीडियोस अवेलेबल है नाग प्रलय के छोटे छोटे से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो युगारंभ जो है
प्रथम पांच कॉमिक्स का संग्राहक संस्करण है। इसके बाद की जो पांच कॉमिक्स है 6 से लेकर के 11 तक, वो हमें नागराज वृतांत 1 के रूप में मिली राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम 11 से लेकर के जो है 15 तक नागराज वृतांत 2 के रूप में मिली, और इनके बारे में डिटेल बात करी गई है। सेम चीज़ को फॉलो करा गया, अनुपम सिन्हा जी का कवर और दूसरा जो वेरियंट कवर है वो ललित कुमार शर्मा जी के द्वारा। और इसका अगर आप अनबॉक्सिंग वीडियो चेक करेंगे तो ये खरीदने के बाद में नागराज वृतांत जो मनोज गुप्ता जी ने कलेक्टर एडिशन निकाला था उसकी रेस्पेक्ट मेरे दिल में काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी बढ़ गई है। मतलब नागराज वृतांत काफ़ी अच्छा लगा मुझे जो कलेक्टर एडिशन है वो, प्राइस वाइज भी और हर कई तरह के फीचर वाइज। तो बात करते हैं फिर से योग आरम्भ की। तो नागराज वृतांत 1 यानी कि कॉमिक्स नंबर 6 to 10, 6 से लेकर 10 तक, और युग आरम्भ कॉमिक्स 1 to 5 यानी 1 से लेकर 5 तक, इन पाँच कॉमिक्स जो कि ऑलरेडी प्रकाशित हो चुकी है, हमें पता है काफ़ी सारी कॉमिक्स प्रकाशित हो चुकी हैं अब तक, इनके बीच में स्टोरी डाली गई। मतलब युगारंभ जहाँ पे एंड होता है 5 कॉमिक्स, उसके बाद में जैसे कि आप नाम से भी देख पा रहे होंगे, और नागराज का ओरिजिन जिनको पता है या जो फैन है राज कॉमिक्स से नागराज के, उनको पता है कि नागराज का काम करने का तरीका या शैली किस तरीके की थी शुरुआत में, कि किस किस तरह से वो जगह जगह भ्रमण करके आतंकवाद का नाश करता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के इनकी स्टोरीज़ बनी। पता ही होगा आई होप जितने भी लोग देख रहे होंगे उनको, तो इन दोनों के बीच में एक स्टोरी डाली थी नई, सेम वैसा ही जैसा मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन के बीच में महामानव की गवाही डाली गई, ऐसा कलेक्टर एडिशन 2014 में आया था। सेम उस इसलिए मुझे लगता है कि अनुपम सिन्हा जी ने जो दिया है राज कॉमिक्स को, जो भी कंटेंट उन्होंने जिस प्रकार का भी कंटेंट दिया है, चाहे वो नागराज को लेकर के हो, चाहे वो सुपरकांड हो, ध्रुव को लेकर के हो, वहाँ के जो छोटे छोटे आइडियाज़ हैं उनको लेकर के काफ़ी एपिक बने हैं। आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे, इवन नए लेखक या नए चित्रकार नहीं, खुद अनुपम सिन्हा जी भी अपने काम से प्रेरणा लेते हैं काफ़ी समय, जैसे कि उड़न तस्तरी के बंधक का मैंने एक रिव्यू दिया था, तो उसी चीज़ से इंस्पायर होकर के आगे काफ़ी एपिक स्टोरीज हमें देखने को मिली, चाहे वो ध्रुवेश्य के रूप में हो या रोबोट के रूप में हो, काफ़ी मतलब छोटा छोटे जो शुरुआत की जो अनुपम सिन्हा जी ने जो हमें काम दिया, उनके एक एक कॉमिक से एक एक आइडिया से कई तरह का तरीके के आइडिया निकलते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स हमें देखने को मिलती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में, तो युगारंभ और नागराज वृतांत के बीच में नई स्टोरी कैसे डाली जाए, तो इन्होंने क्या किया, बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जैसा महामाना की गाँव में दिखाया गया था, 4 पेजेस हमें एक्स्ट्रा बना करके दिए, तो क्योंकि स्टोरी तो बहुत पहले लिखी जा चुकी है, तो इसमें एक ऐसा इंसिडेंस बताया गया, ये आई डोंट थिंक ये कोई स्पॉइलर होगा क्योंकि युगारंभ सभी के पास होगी और ये 4 पेजेस सबके पास अवेलेबल होंगे, टीजर मान सकते हैं। तो नागराज अपनी यात्रा पर ही है, जैसा कि वो नेक्स्ट वृतांत में आपको देखने को मिलेगा, जिन कॉमिक्स में खूनी खोज, खूनी जंग वगैरह जो कॉमिक्स थे उसमें, तो नागराज अपनी यात्रा पर ही है, लेकिन उसके बीच में एक इंसिडेंस डाला है कि बाबा गोरखनाथ हैं जो उसको कहीं और मोड़ देना चाहते हैं, पर इंटरेस्टिंगली वो घटनाक्रम महानगर में शुरू होगा, जो हमको विश्व रक्षक नागराज का जो जिक्की जो कर्म भूमि है, अनुपम सिन्हा जी ने जो नागराज दिया, मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोज़ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रेफ़र कर सकते हैं विश्व रक्षक नागराज के बारे में। सर्प सत्र ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमें कॉमिक्स देखने को मिला है, नागराज का नया कॉमिक्स। इवन ये जो भी कॉमिक्स यहाँ रखे हुए हैं सारे इसी साल रिलीज हुए हैं, सन 2021 में, ये सारे कलेक्टर एडिशन भी, चाहे रिप्रिंट ही क्यों ना हो। तो ये 4 कॉमिक्स आदि पर्व, आज़ादी की ज्वाला, नाग प्रलय और सर्प सत्र, ये 4 कॉमिक्स हमें राज कॉमिक्स के द्वारा सन 2021 में नए देखने को मिले हैं, जिनमें से आज़ादी की ज्वाला और सर्प सत्र मनोज गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिले हैं, और नाग प्रलय और आदि पर्व जो है हमें संजय गुप्ता जी की देखने की तरफ से देखने को मिले हैं। आज़ादी की ज्वाला और आदि पर्व दोनों ही आ से शुरू है, और ये और दी में इनमें इसमें बड़ी की मात्रा है, उसमें छोटी की मात्रा है, दोनों के दोनों ही सेम रेगुलर साइज़ में हमें देखने को मिलते हैं, और नाग प्रलय और सर्प सत्र जो है हमें थोड़े से बिग साइज में देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, फिर से कवर कर देता हूँ अगर किसी ने नहीं देखा हो वीडियो, तो सेम विड्थ के साथ में नाग प्रलय की थोड़ी विड्थ ज़्यादा है। सर्प सत्र को हालांकि कंपेयर नहीं करा जाना चाहिए, इसकी भी मैं पूरी बात करूँगा, सर्प सत्र की बात की जाएगी, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो युगारंभ में 4 पेज एक्स्ट्रा डाले गए, सेम वही वृतांत था, उसमें बीच में डाल दिया गया महानगर, तो ये भी सर्प सत्र की जो स्टोरी वो भी महानगर में घूमती है, तो एक कंपैरिजन तो यहीं से निकल के आ गया, हालांकि इन दोनों स्टोरी का कोई भी कंपेयर नहीं हो सकता था, जो भी इनकी टाइमलाइन रही है या तरीका है जो स्टोरी टेलिंग का, लेकिन एक कंपेयर तो ये हो गया कि दोनों के दोनों महानगर में हो रही हैं दोनों घटनाएँ, तो महानगर का एक कनेक्शन डाला गया इसमें। और दूसरा अगर आप लोगों में लाएंगे तो कलर आप इसकी अगर आपको दिख पा रही हो कुछ समानताएं आप देख पा रहे हैं, नाग प्रलय और सर्प सत्र की कलर स्कीम भी आपको थोड़ी सी
एक जैसी दिखेगी। खैर ये सारी बातें आगे कवर करी जाएंगी। तो चार पेज इसमें एक्स्ट्रा डाले गए, और नागराज जो अपने यात्रा पर जारी था उसको बाबा गोरखनाथ जी के द्वारा एक नई दिशा दे दी गई कि महानगर में आप जाइए और कोई और दूसरा जो है इंसिडेंस आपका वेट कर रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा टीजर हमको दिया गया। और फिर इसमें जो है स्टोरी गढ़ी गई, और तुलसी कॉमिक्स के पात्र तोसी और उससे रिलेटेड जो करेक्टर है, जैसे कि इनका नाम अप्सरा है, हालांकि अप्सरा है कि नहीं आपको स्टोरी में पता लगेगा, तो इनको मिला करके एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करा गया कि राज कॉमिक्स के जो मोस्ट फेमस करेक्टर हैं नागराज और तुलसी कॉमिक्स के जो करेक्टर हैं तोसी, वो आपको नाग परले में भी दिखेंगे कवर में और सर्प सत्र में भी दिखेंगे। रेफरेंस के लिए बताया था हालांकि मनोज गुप्ता की तरफ से, सो तोसी इन दोनों का टकराव देखा गया। तो सर्प सत्र और नाग परले की जो तुलना आप देखते हैं विभिन्न चैनलों पर या सोशल साइट्स पर, उसका रीज़न ये है, नागराज और तोसी का पहली बार आना राज कॉमिक्स यूनिवर्स में और टकराना, कर्मभूमि भी एक ही है, चाहे से बहुत पुराना इवेंट है, देखिए नागराज ये बहुत पहले का दिखा रखा है, ये भी जो है महानगर में हो रहा है और ये भी महानगर में हो रहा है, हालांकि ये विश्व रक्षक नागराज है, काफ़ी मेच्योर और शक्तियों से लेस नागराज है, और ये बिल्कुल शुरुआत का नागराज है जो हम देख पा रहे हैं। पांच कॉमिक्स यानी कि शुरू की जो तीन कॉमिक्स थी, नागराज, नागराज की कवर और नागराज का बदला, वहाँ पर तो एक स्टोरी आर्क एस्टैब्लिश हुआ था और नागराज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद एक छोटा सा एडवेंचर हुआ था हांगकॉन्ग यात्रा और शांगो, तो उसके बाद नागराज आगे बढ़ रहा है। एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, जब संजय गुप्ता जी रिप्रिंट लेकर के आए, चाहे नागराज की फाइव कॉमिक्स हों, चाहे उसका ये प्रीमियम कलेक्टर एडिशन हो, या फिर अदर जो रिप्रिंट संजय गुप्ता जी लेकर के आए, आपको सभी को पता होगा कि डोगा की आठ कॉमिक्स जो शुरुआत की उनके रिप्रिंट लेकर के आए हैं, और भी काफ़ी रिप्रिंट उन्होंने कराए हैं, आतंक हर्ता नागराज को रिप्रिंट कराए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक एक जो रिप्रिंट करा है संजय गुप्ता जी ने, चाहे वो कोई भी कॉमिक्स हो, इवन मैं आदि पर्व की जब जिक्र करूँगा तो फिर से मैं इस नरक नाशक सीरीज़ के इन फोर कॉमिक्स का जिक्र करूँगा, पहले भी कर चुका हूँ, इसकी भी बात करी जाएगी, नरक नाशक जो सीरीज़ है, तो जो जो भी संजय गुप्ता जी ने सिलेक्ट करे बहुत ही तगड़ी प्लानिंग के साथ में, बहुत ही सोच समझ करके सिलेक्ट करे, मतलब बहुत कुछ सीखने लायक है संजय गुप्ता जी से, और उनको इस कॉमिक्स मार्केट की बहुत बड़ी समझ है, तो उन्होंने जो भी रिप्रिंट करे हैं उनको सच में काफ़ी कनेक्शन है, बहुत कनेक्शन है, आप धीरे धीरे समझेंगे, सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, इवन आदि पर्व हो, नाग परले हो, उनके द्वारा रिप्रिंट करे हुए जो उन्होंने सिलेक्ट किया, ओनली पाँच कॉमिक्स उन्होंने सिलेक्ट करे थे क्लासिकल नागराज, सिर्फ पाँच, अभी तक उन्होंने केवल पाँच प्रिंट करें, आतंक हर्ता और नारक नाशक को छोड़ करके ये पाँच करें, और इन पाँच से उन्होंने क्या क्या कर डाला, पाँच से ही प्रीमियम एडिशन बना डाले, और इसको कनेक्ट करके जो है ये स्टोरी आर्क लिखा गया। खैर अब इस बात को यहीं समाप्त करके हम नाग प्रलय की तरफ बढ़ेंगे, एक अंतिम और झलक देता हूँ मैं आपको युगारंभ की। तो जब ये चार पेज हमको एक्स्ट्रा दिए गए तो हमें एक स्टोरी का पता लगा, और इसमें क्लियरली अनाउंस किया गया कि ये स्टोरी आपको देखने को मिलेगी प्रलय का देवता नाम की कॉमिक्स में या उसकी सीरीज़ में, हमें नहीं पता था उस वक्त कि वो एक सीरीज़ होने वाली है फिर एक सिंगल कॉमिक्स होने वाली है, और ये उनके क्रेडिट्स हमको दे दिए गए, कथा जारी रहेगी प्रलय का देवता में। तो प्रलय का देवता एक कॉमिक्स अनाउंस की गई, उसका कोई ऐड वगैरह में देखने को मिले नहीं मिला, लेकिन हाँ युगारंभ में टीजर जरूर देखने को मिला, युगारंभ ऑफ दी साइड में। इसके बाद में अनाउंस हुई सर्प सत्र, मतलब प्रलय का देवता ऑफकोर्स पहले अनाउंस हुई, और नागराज और तोसी का टकराव जो संजय गुप्ता जी ने सोचा बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट रही, और ये 2017 में ही राज कॉमिक्स के द्वारा तोसी के राइट्स ले लिए गए थे, तो ये प्लानिंग तो बहुत पहले से चल रही थी, चाहे वो अनुपम सिन्हा जी की हो, चाहे संजय गुप्ता जी की हो, मनोज गुप्ता जी की हो, पर उसे मूर्त रूप लेने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि जो विभाजन हुआ है राज कॉमिक्स का, राज कॉमिक्स हुआ है संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता में, वो भी एक डिफरेंस, वो भी एक कारण रहा है इसका। और जैसे ही ये अस्तित्व में आए राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी हैं या मनोज गुप्ता जी का जो पब्लिकेशन है, उसके बाद में जो है इन्होंने अपने उन योजनाओं को मूर्त रूप दिया, और एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन भी हमें देखने को मिला, हेल्दी की भी बात करूँगा, थोड़ा सा जो अनहेल्दी है उसकी बात है यहाँ पर करी जाएगी। और ठीक है, प्रलय का देवता बननी शुरू हुई, और आई थिंक कि वो 160 पेजेस जो एक काफ़ी बड़ा कॉमिक्स होता है, जैसे आप एंड गेम अगर आपको याद हो सुपर कमांडो ध्रुव का बालचरित का जो सिक्स पार्ट था वो, या फिर निगेटिव्स 2013 में प्रकाशित हुआ था, बहुत शानदार कॉमिक्स था मल्टी स्टार, 160 पेजेस का, आई थिंक मतलब ये मेरी सोच है कि ऐसा एक प्रलय का देवता प्लान किया गया होगा, और उस पर काफ़ी काम चल रहा था, और उसके बारे में अपडेट्स भी हमें मिल रहे थे। प्रलय का देवता ये देखिए उसका ऐड है, प्रलय का देवता जिसका टीजर हमने अभी देखा, नागराज और तोसी, और नागराज वही लुक वही फील जो हमको शुरुआत की पांच कॉमिक्स में देखने को मिला, बिल्कुल उसी लुक को पकड़ते हुए, ये अच्छा है अपने रूट्स को पकड़ते हुए बढ़ा गया। और इधर अनुपम सिन्हा जी, मैं अनुपम सिन्हा जी वर्ड यहाँ ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ पर संजय गुप्ता जी, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी काफ़ी बड़े फिगर हैं, भले से ये दो अलग अलग पब्लिकेशन होंगे संजय गुप्ता मनोज गुप्ता जी,
और अनुपम सिन्हा जी के आर्टिस्ट हैं उसमें, लेकिन वो उनका कद काफ़ी ऊंचा है, बहुत समय से वो काम कर रहे हैं। और वो जो है इनके जो पिताजी थे राजकुमार गुप्ता जी, जो राज कॉमिक्स के संस्थापक थे, उन्हीं की याद में मनोज गुप्ता जी संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष मना रहे हैं। और उनका चित्र भी देखिए यहाँ पे दिया गया था, युग आरंभ में उनको श्रद्धांजलि दी गई थी, देखिए। तो इनको ये जो संस्थापक थे राज कॉमिक्स के, इनको अनुपम सिन्हा जी बड़े भाई या भाई साहब बोला करते थे। मतलब कितने सीनियर अनुपम सिन्हा जी, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। तो इस लिहाज से मैं अनुपम सिन्हा जी वर्ड दोबारा यूज़ करता हूँ फोर सर्प सत्र। तो अनुपम सिन्हा जी ने भी कुछ ऑटो शेयर करे सर्प सत्र के, और प्रलय का देवता का टीजर हमें मिल ही चुका था। और जो है करते करते जो है पहली छमाई निकल रही, और पहली छमाई में यानी कि 6 मंथ में बहुत सारे रिप्रिंट्स हमें देखने को मिले, केयरफुली प्लान्ड बाय संजय गुप्ता जी एंड मनोज गुप्ता जी। और बहुत अच्छे अच्छे रिप्रिंट्स हमें अवेलेबल हुए जो काफ़ी समय तक स्टॉक में नहीं थे, जैसे कि नागराज के प्रथम कॉमिक्स हों या सुपर कुमार ध्रुव के प्रथम कॉमिक्स हों, डोगा के कॉमिक्स हों, भोकाल की ओरिजिन सीरीज हो, कोई भी हो, काफ़ी अच्छे रिप्रिंट्स सेलेक्ट किए गए, अच्छी क्वालिटी के साथ प्रिंट किए गए। काफ़ी प्राइस का तो मैं खैर नहीं बोलूँगा, वाजिब प्राइस में मिले, थोड़ा सा कॉस्टली मिले, पर ऐसा हुआ। उसके बाद में पहले छमाई में तो दोनों ही प्रकाशन की तरफ से हमें सिर्फ एक ही कॉमिक्स देखने को मिली, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आज़ादी की ज्वाला, जो काफ़ी सेल भी हुई, काफ़ी लोग इससे खुश भी हुए, कुछ डिसअपॉइंट भी हुए, उसकी भी चर्चा करी गई थी पुराने वीडियोस में। तो ऐसा हुआ। सेकंड जो हाफ था इस साल का, जैसे अभी अगस्त चल रहा है, जुलाई माह में सर्प सत्र हमारे हाथ में आई, तो काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जो प्रलय का देवता है काफ़ी पहले से अनाउंस हो गई थी, उस पर काम होना शुरू हो गया था, तो उसे नागराज और तोसी की पहली कॉमिक्स मानना चाहिए, पहला क्रॉसओवर मानना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ है हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सर्प सत्र ने कैसे भी करके वो हमारे हाथों में आ गई पहले। तो अगर नागराज और तोसी की पहली कॉमिक्स बोला जाए तो सर्प सत्र को उसका श्रेय दिया जा सकता है। हालांकि दोनों ही अलग अलग पब्लिकेशन है, तो मनोज गुप्ता जी का जो पब्लिकेशन है उसमें सर्प सत्र, और संजय गुप्ता जी का जो है पब्लिकेशन उसमें नाग प्रलय। तो जैसे ही सर्प सत्र अनाउंस हुई या प्लान होने वाली थी या प्री ऑर्डर्स उसके लगे, संजय गुप्ता जी हमारे पास लेकर के आए अपने ऑफिशियल चैनल के द्वारा नाग प्रलय का फर्स्ट वीडियो। तब मुझे पता लगा कि नाग प्रलय नाम की भी कोई कॉमिक्स है, और वो इस बिग साइज़ में आने वाली, जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स आती हैं, और काफ़ी थोड़ा आर्टवर्क को भी शेयर किया गया इसका, तब जाकर के इसकी बात समझ आई। और ऐसा वर्ड युगारंभ में यूज़ भी नहीं किया गया था, युगारंभ में केवल प्रलय का देवता वर्ड यूज़ किया गया था। तो अब ये इस स्टोरी को जिसका नाम है प्रलय का देवता, दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया है। पहला भाग है नाग प्रलय 32 पेज का, और दूसरा भाग रहेगा प्रलय का देवता 128 पेज का। तो कॉम्बिनेशन से आप समझ सकते हैं 32 और 128 मिला करके लगभग 160 पेज के करीब निकलता है। तो और ये क्योंकि 32 पेज का, पर इसमें ऐड वगैरह भी काफ़ी हैं, आगे क्रेडिट्स हैं जो कि ज़रूरी भी होते हैं, जो ग्रांड साइज़ में आई है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी जो रीडर्स हैं इसको 28 पेजेज़ या 24 पेजेस की स्टोरी भी बताते हैं, 24 पेजेस की स्टोरी कोट करते हैं। और इसका प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ रखा गया है। और इस पर अच्छी बात यह है कि ये जो पूरा कॉम्बो है, आदि पर्व, हार्ड बाउंड है, पेपर वेक है, नाग प्रलय, इनमें इनके पीछे प्राइस क्लियरली मैंशनड है, 200 रुपीज़। सर्प सत्र की प्राइस भी 200 रुपीज़ रखी गई, साइज़ भी लगभग इक्वल है, थोड़ा सा हाइट भी ज़्यादा है नाग प्रलय। और पर इसमें 48 पेजेस थे सर्प सत्र में, जितने की आज़ादी की ज्वाला में भी थे, और नाग प्रलय में 32 पेजेस हैं, तो थोड़े पेजेस में भी कम रहेंगे। जैसे 48 है तो इसमें 44 की स्टोरी रहेगी, इसमें 24 की स्टोरी रहेगी। अब प्रॉब्लम ये रही कि सर्प सत्र हर वेबसाइट पे, हर ऑनलाइन स्टोर पे हमें काफ़ी स्टॉक में दिखी, अभी भी है शायद, और इस पर कुछ डिस्काउंट मिल करके ये मुझे 179 में पड़ी, यानी कि 180 रुपये में। हालांकि प्राइस तो इस पर भी 200 रुपये ही मैंशन है, 1 रुपया कम है, इस पर तो क्लियरली 200 मैंशन है, इस पर 199 मैंशन है। तो ये इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं था, ये अभी भी 200 रुपीज़ में अवेलेबल है, ये 180 मान सकते हैं, और 48 पेजेस साथ में, तो पेज थोड़ी ज़्यादा है, नो डाउट। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ या स्टोरी की बात करूँ, पहले तो स्टोरी की बात कर लेते हैं। स्टोरी में जो है वही स्टोरी आगे बढ़ती है जो युगारंभ में शुरू की गई थी, और ये मैंने इसके अनबॉक्सिंग में भी आपको बताया था कि पहले से इस पर स्टार बना दिया गया है कि पढ़ें नागराज युगारंभ संयुक्त संस्करण, यानी कि इससे पहले के जो 4 पेजेस थे वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, और वहीं से स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है। और इवन अगर वो 4 पेज पढ़ भी लो तो भी ऐसा लगता है कि स्टोरी कहीं बीच से शुरू हुई, मतलब ऐसा उस तरीके का जो शुरुआत और एंड जो हमको बचपन से पढ़ने की आदत है नाराज कमी से, उस तरीके का नहीं मिलेगा कि बिल्कुल शुरुआत से शुरू होती है कोई स्टोरी, जैसे ये जो
सर्प सत्र है, ये थोड़ा सा अनुपम सिन्हा जी का पुराना फ्लेवर है, लेकिन उसमें भी नयापन है। अनुपम जी का स्टाइल भी इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, काफ़ी काफ़ी फास्ट पेस कॉमिक था ये। तो नागपट्टनम में ऐसा ही होगा, तो काफ़ी लोग जिनके वो ये मिली है कॉमिक्स, वो ये मिस कर रहे थे या शिकायत कर रहे थे कि भाई देखो युगारंभ तो हम हर कोई नहीं ले सकता, तो वो 4 पेजेस हमें कहाँ से मिलेंगे। तो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप वो 4 पेज पढ़ने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ठीक है, ये कि एक USP, इसको समझिए आप, ये बिजनेस स्ट्रेटजी है, ये ब्रांड का एस्टैब्लिशमेंट है। संजय गुप्ता जी की मैं सारे कॉमिक्स पढ़ चुका हूँ और ही पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे से वो अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करके कनेक्ट करना चाहिए उनको, तो कनेक्ट करेंगे ये आप मान के चलिए, वो आगे और भी करेंगे, न सिर्फ इसको आगे भी कनेक्ट करेंगे। तो ये एक तरीका है उनका, स्ट्रेटेजी है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इतना भी कोई हाई तोबा नहीं है कि भाई वो 4 पेज नहीं मिले तो क्या हो जाएगा। इवन ऐसा आदि पर मैं भी होगा, मैं उसके डिस्कशन अलग से करूँगा, अलग से वीडियो में करूँगा सारा डिस्कशन। तो नाग प्रलय की स्टोरी शुरू होती काफ़ी फास्ट पेस है और हमको काफ़ी वेट नहीं करना पड़ता, तो उसी उनके टकराने का वो सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती हैं। और इसका जो क्वालिटी रखी गई ना, जो इसका साइज़ है, कलरिंग है, और जो आर्ट है आदिल खान पठान जी का, इसमें आर्ट है बाय द वे, बहुत शानदार आर्ट है। पहले मैंने डोगा में उनका आर्ट देख रखा है और भेड़िया में देख रखा मैंने पहले, तो इसका लुक फील बिल्कुल अलग बना दिया गया है। सच में मार्वल डीसी के लेवल का है ये कॉमिक्स। और जब मैंने इसको पेज काउंट करा था, आपने अनबॉक्सिंग में भी नोट किया होगा, तो मैं एड काउंट कर रहा था, तो मुझे ये पेज काफ़ी थिक लगे, मुझे लगा 2-3 एड होंगे, तो हाथ लगाने पता लगा कि एक ही एड है या 2 एड है या जो 4 एड है। तो इसके पेज सच में काफ़ी थिक है, मतलब ये जो क्वालिटी है कॉमिक्स की, ये पहले मैंने देखने को मिली थी। आपने जो भी राज कॉमिक्स से पहले कॉमिक्स पढ़ रखी होंगी, मैं मनोज गुप्ता जी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वाली जो राज कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, इवन संजय गुप्ता जी की भी जो रिप्रिंट वगैरह है, उनसे तो इसकी क्वालिटी प्लस में है। एक बात और मैंने नोट करी, मैं बता देता हूँ, चाहे वो आदि पर्व हो या नाग प्रलय हो, पहले जितने भी रिप्रिंट करें, चाहे वो संजय गुप्ता जी ने करे हो या मनोज गुप्ता जी ने करो, जो गम वाला प्रॉब्लम था ना, गोंद फैला रहता था जगह जगह, बताया कि ये प्रॉब्लम थी काफ़ी, वो इनमें मुझे देखने को नहीं मिली। पता नहीं क्यों नहीं मिली, हो सकता है ये इतने कॉस्टली थे तो उनको काफ़ी केयरफुली प्रिंट किया गया हो, या फिर मेरी जो कॉपीज़ वो काफ़ी अच्छे से अराइव हुई हो, ये कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो इसमें जो कलर स्कीम है ना, ये ग्रीन ब्लू सा कलर है, जो बाहर बिजली कड़क रही है, पीछे पेड़ है, तो ग्रांड साइज़ में इसमें ना पानी आपको दिखेगा, पानी है या पेड़ है, या सच में इसको ना उस तरीके की फील दी गई है। देखिए आप आर्टवर्क आप देख सकते हैं, आर्टवर्क मुझे अच्छा लगा इसका, आदिल खान जी का आर्टवर्क अच्छा लगा, और साइज़ सच में ग्रांड है। आप जब इसमें ऐड देखोगे, जैसे मैंने इसका नागपर्व का ऐड देखा, तो ऐसा लग रहा है कि सच में होम थिएटर में कोई मूवी देख रहे हैं। जैसे आपको HD में, अगर आप अपने स्मार्ट TV पे या मोबाइल पे कोई मूवी देखें, जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी, और उसी को अगर आप होम जो थिएटर में देखें, या फिर जो है जो IMAX साइज़ में देखें, तो उससे फील आता है, सच में से आया, इसलिए मैं कभी मतलब इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, जैसा मुझे फील हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो इसके जो सीन जो बन पड़े ना, जैसे कोई भी सीन हो, जैसे मुझे सच में ये नाग पर्व का काफ़ी अच्छा लगा, मुझे सीन ये इस साइज़ को डिजर्व करता है, ये नाग पर्व का एड, तो ऐसा लगता है जैसे आप सपनों की दुनिया में चले गए, वैसे बना बाहुबली टाइप का वैसा कुछ, या अवतार फिल्म जिसके याद आएगी आपको। कलरिंग स्कीम देखिए, कलर काफ़ी अच्छे हैं, चित्र भी अच्छे हैं, देखिए इस तरीके के चित्र हो, इस तरीके के लगाइए इसमें। पर स्टोरी में जैसे आप एंडोर्स होते हो ना, मतलब स्टोरी में जैसे आप खो जाते हो कि स्टोरी शुरू हुई, अब आप समझ में आ रहा है, और एकदम से एंड आ जाती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी कम्प्लीटली ये स्प्लिट करके बनाया हुआ, मतलब ये प्लान्ड मुझे नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सर्प सत्र अराइव होने वाली थी, तो कंपटीशन एक होता ना कि भाई नागराज और तोसी पहली बार आने वाले हैं, तो उस कंपटीशन को फील करते हुए परले का देवता, जो शायद 160 पेजेस की शायद होने वाली थी सिंगल इशू, उसमें से 32 पेज को अलग करके जल्दी से एक नया कॉमिक्स निकाला गया। हालांकि अच्छा प्रयास था, और जो इसका साइज़ है, जो इसका कवर आर्ट है, अंदर की जो फील है, वो अच्छी लगी मुझे, इसमें कोई बुराई नहीं। मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँ कि मैं ऐसा हुआ तो ये बुरा हुआ, या मैंने कुछ पकड़ लिया, चोरी पकड़ ली मैंने, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब मैं आपको मेरे माइंड में जो चल रहा है वो बता रहा हूँ कि इस तरीके का मुझे फील हुआ, क्योंकि इसकी स्टोरी आप भी पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ भी ली होगी, अगर किसी जो हमारे व्यूवर्स उन्होंने पढ़ी भी हो तो बताएंगे वो कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इसमें क्या समझ में, जैसे इसमें क्या दो स्टोरी शायद साथ साथ चल रही हैं, तो इसको समझना मतलब ऐसा नहीं होगा आप जो जनरल जो कॉमिक्स पढ़ते थे। नितिन मिश्रा जी की राइटिंग का लोहा मानना पड़ेगा अगर आप आदि पर्व भी पढ़ेंगे तो, और इससे पहले नरक नाशक की सीरीज़ पढ़ेंगे तो, उनका तरीका स्टाइल है लिखने का, जो नरक नाशक सीरीज़ है ये 4 कॉमिक्स की, ये भी मैंने रिसेंटली 2021 में पढ़ी, इससे पहले मैंने इसको नहीं पढ़ा था। उनकी राइटिंग स्टाइल ऐसी है कि जो पुरानी कॉमिक्स हैं, आज से 30 साल 35 साल से जो कॉमिक्स चली आ रही हैं, जो हमने पढ़ी हैं, नागराज की हो, शुरुआत की, सुपरमानो ध्रुव की हो, कोई भी हो, स्टोरीज़ हो, डोगा की हो, भेड़िया की हो, सारी स्टोरीज़ को उन्होंने अच्छे से पढ़ा है, एनालाइज़ किया है और मंथन किया है उसको बहुत ज़्यादा, और उन्हीं तारों को पिरो पिरो करके वो नए तार बना देते हैं। ये उनके स्टाइल काफ़ी पसंद करा गया था नरक नाशक सीरीज़ में, और ये इस सीरीज़ के हिट होने का सबसे बड़ा कारण रहा।
जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने अगर नागराज के शुरू से फॉलो कर रहे हैं अगर स्टोरीज़ को, उसके बाद अगर आप ये सीरीज़ पढ़ते हैं तो आपको बहुत माइंड ब्लोइंग सीरीज़ लगती है, क्योंकि हम उन पात्रों से ऑलरेडी परिचित होते हैं, उनके स्टोरी आर्क से हम परिचित होते हैं, ट्रीटमेंट से हम परिचित होते हैं, और पता होता है कि किस कहानी का क्या एंड निकलने वाला है और इस कहानी का क्या कनेक्शन निकलने वाला था। उसके बावजूद भी फिर से नए सिरे से उसी कहानी को लिखा गया है, अलग अलग थोड़ा सा ट्विस्ट देकर के और अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए नरक नाश्ता काफ़ी हिट हुई। तो सेम ही चीज़ को, फ्लेवर को बरकरार रखते हुए आदि पर्व में किया गया, मैं उसकी चर्चा उसके वीडियो में करूँगा। ऐसा ही जो है आपको नाग प्रलय में देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि इसमें नाग प्रलय में तोसी का यूनिवर्स के लोग हैं, तो ये मुझे कम्प्लीटली न्यू फील हुआ। जब मैंने आदि पर्व पढ़ी या नरक नाश्ता सीरीज़ पढ़ी, वो उसका साथ कनेक्शन बनाया जाएगा उसका, वो सारे करेक्टर मैंने देखे हुए थे, मुझे पता था उनके बारे में, नहीं भी पढ़ा हो तो, पर ये थोड़ा सा मुझे नया फील आया, इसके अलग ही मतलब थे, एक अलग ही दुनिया में चले गए, जैसे बाहुबली मूवी देख रहे हो उस तरीके से। ये है नाग प्रलय के बारे में। तो नाग प्रलय का मेरा जो रिव्यू है डिटेल, वो ये है, साइज़ बड़ा है इसका और पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। पेज क्वालिटी वास्तव में आपको ऐसी पेज क्वालिटी नहीं देखने को मिली होगी, बहुत अच्छी पेज क्वालिटी है। और जैसा इसका साइज़ है, जो इसका थीम है ना, वैसी ही कलर स्कीम और आर्टवर्क इसमें यूज़ किया गया है, तो ये तीनों मैच कर रहे हैं, मतलब मिसमैच आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई एक आर्ट था उसको ज़बरदस्ती बड़ा कर दिया साइज़ में, या फिर जो है उसके साथ कलर मैच नहीं कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, या फिर जो है जो मतलब जो है जस्टिफाइड है, ये इसका जो साइज़ है जस्टिफाइड, कलर है जस्टिफाइड, आर्ट जस्टिफाइड है। अब बात आती है स्टोरी की, तो मैं आपको बता चुका हूँ स्टोरी ऐसा लगेगा कि आप पहले से किसी चलती मूवी के अंदर एंटर हो गए। हम जब मूवी थिएटर में देखने जाते हैं और थोड़ी लेट हो जाते हैं, तो 5-10 मिनट की मूवी निकल जाती है, हालांकि जो वहाँ पे बैठे हैं उनको पता होता है कुछ भी नहीं निकला है ना, कुछ भी नहीं निकला, लेकिन आपको लगता है कि बहुत कुछ मिस हो गया। या आप किसी क्लास में एंटर होते हो पढ़ने के लिए, अगर आप 10 मिनट 5 मिनट लेट हो गए तो आपको कैसा फील होता है, वैसा आपको फील होगा इसको पढ़ते समय। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। और जैसे ही आप उसमें तारतम्य बिठाते हो कि हाँ आप उस स्टोरी का हिस्सा बन गए हो, आप थोड़ा नागराज जो तुलसी को समझने लगे हो, और ये जो करेक्टर ना, शुरू में मुझे लगा था नागराज जी शुरुआती कॉमिक जो कॉमिक्स में था ना, थोड़े एक जेम्स बॉन्ड टाइप का एक फील होता था, तो कुछ लेडीज़ को भी जो गर्ल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इस नागराज वृतांत में, आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। देखिए इसके कवर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, कुछ गर्ल्स लेडीज़ दिखा रखी है इसमें, देखिए। तो सेम ही फील को बरकरार रखते हुए, जैसे देखिए पानी में एक ऑक्टोपस दिख रहा होगा, और ये नागराज एक लड़की को बचा रहा है इस सीन में, जो नागराज वृतांत मतलब 6 से लेकर के 10 कॉमिक्स के बीच का एक समरी है जो अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है। तो वो एक सीन अगर आप देखेंगे तो ये सीन की याद आपको इसमें आएगी रिक्रिएशन के रूप में। प्लस ये जो है ना, ऐसे कोई रैंडम करेक्टर नहीं है, मुझे रैंडम लगा था, इसका भी अपना रोल है। ये करेक्टर तो सारे इंपॉर्टेंट है जो इसमें कवर में दिखाए गए, आर्ट में फिर से दिखाया था आपको। और शुरू में क्रेडिट दिए गए हैं, जो क्रेडिट यहाँ पर भी दे दिए गए हैं, तो शायद इनकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। और यहाँ पर देखिए हमारा वायदा अच्छे कॉमिक्स, आपका वायदा केवल ओनली राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता। खैर ये तरीका है इनका, क्या बोले इसे, मतलब अलग है, मतलब आपका राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता की कॉमिक्स लेंगे हाथ में, वो राज कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी की लेंगे, तो डिफरेंस फील होगा, और ये होना भी चाहिए, ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। बट सर्प सत्र से इसकी तुलना बिल्कुल ही बेमानी है, बिल्कुल बेमानी है। इवन अगर मैं बोलूँ कि यार सर्प सत्र ज़्यादा अच्छी है या ये अच्छी नहीं है, फिर ये वो बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि इन दोनों का बिल्कुल ही ऑरा फ्लेवर सब कुछ अलग है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कि आप दो अलग अलग फ्रूट्स हैं, जैसे मान लो पोमग्रेनेट है, अनार हैं, और मौसमी है ऑरेंज, आप उसको कैसे कंपेयर करोगे, जस्ट बिकॉज कि इसमें ये करेक्टर सेम है। नागराज और तुलसी को पहले टकराते दिखाया गया। सर्प सत्र जो है वो एक ऐसा फील आएगा, जब मैंने आदि पर्व को पढ़ा, आदि पर्व पढ़ा ना तो मुझे लगा कुछ कंटेंट है, आदि पर्व को पढ़ने में समय लगा। आदि पर्व की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, 96 पेजेस की कॉमिक्स है, तो इसको पढ़ने में समय लगा, ओल्ड राजकुमार जी फील आई। तो ऐसा ही सर्प सत्र में हुआ था। ये नाग प्रलय जो काफ़ी छोटा लगता है आपको, 24 पेजेस का स्टोरी है, इसमें 40 पेजेस स्टोरी है, पर 40 पेज भी रैंडम नहीं है, मतलब सर्प सत्र को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा। जब ये सर्प सत्र एंड हुई तो जितने इवेंट दिखाने की जरूरत थी उतने या उससे ज़्यादा इवेंट दिखा दिए गए, मतलब ये एक कंप्लीट कॉमिक्स माना जा सकता है। और ये जो है एक टीजर ट्रेलर मान लीजिए आप, बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगा। जैसे वो 4 पेजेस का टीजर था नाग प्रलय का देवता का, लोग बोलते नाग प्रलय का था, तब वो नाम उन्होंने सोचा नहीं था, तो ये भी एक तरीके का टीजर ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रलय का देवता से काफ़ी उम्मीद है, वो भी इसी साइज़ में आनी चाहिए, और ज़्यादा मुझे लगता है बताऊँ क्या होगा, इसके बाद में प्रलय का देवता आएगी फिर हिट होगी, उसके बाद में वो ये 4 पेज युगारंभ के, 24 पेज नाग प्रलय के, और 128 या 120 जो भी पेज आएंगे वो उस सबको कंबाइन करके एक और प्रीमियम एडिशन आ जाएगा। ये इनकी स्ट्रेटेजी है जो ठीक है, इट्स ओके। ठीक, अब बात करते हैं सर्प सत्र से कंपेयर की। कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट आर्ट डिफरेंट है, आर्टिस्ट डिफरेंट है, स्टोरी अलग है, और पब्लिकेशन भी अलग ही हो चुके हैं।
बट कंपेयर क्यों हो गया, एक तो साथ में आने की वजह से, तोसी के होने की वजह से लोगों में समानता आपको दिख रही होगी। इसके अलावा लोगों ने कंपेयर भी कर, लोगों मतलब ये तो लोगों वाला लोगो है, इंग्लिश वाला, वो हिंदी वाला लोगो मतलब जो रीडर्स हैं उन्होंने काफ़ी कंपेयर भी किया फेसबुक पे। एक तो ये रेट का कंपेयर 200 200, मतलब 199 200, बट विद डिस्काउंट अवेलेबल हो जाती है सिंगल पीस भी, ये विद डिस्काउंट नहीं मिलती, बट नोवल्टीज़ मिलती हैं। कौन सी नोवल्टीज़ मिलती हैं, आप मेरा अनबॉक्सिंग का वीडियो चेक कर सकते हैं इसका। दूसरी बात, मैंने जितना पढ़ा है, ये जो लेटेस्ट जो कॉमिक्स है नितिन मिश्रा जी की, जो जो भी सारी कॉमिक्स देखी है, तो मैंने देखा कि अनुपम सिन्हा जी ने जो स्टोरी आर्क बनाया था, मैं फिर से वही, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी की, देखो नागराज की बात आएगी तो अनुपम सिन्हा जी की बात आती है, अनुपम सिन्हा जी की बात है तो ध्रुव बीच में आया था, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सुपर कमांडो ध्रुव का जो मैंने मारा ध्रुव को हत्यारों कौन है, आप प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो मेरा वीडियो आप चेकआउट कर लेना या पता कर लेना नेट पर। मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन एक स्टोरी आर्क था, 2 पार्ट का, 64 64 पेजेस की स्टोरी थी। उसमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि एक गेट टुगेदर होता है विलेंस का, और उनका कोई एक बड़ा हेड होता है जो कि एक न्यू करेक्टर हमको देखने को मिला था उसमें, कंगाल तंत्र, हालांकि बाद में पता लगा था वो भी एक ओल्ड करेक्टर ही था, और उसकी टीम थी और उसने काफ़ी सारे विलेंस को कलेक्ट करा, टू बी वेरी सिंपल, और वहाँ पर गवाहियाँ हुई, मतलब उन्होंने क्लेम करा कि सुपर कमांडो ध्रुव को उन लोगों ने मार दिया है, मर गया है सुपर कमांडो ध्रुव, किसने मारा है इसके लिए गवाहियाँ हुई, और इस तरीके का एक स्टोरी आर्क चला। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो, फैंस को बहुत फेमस हुआ वो कॉमिक्स, 1995 की बात हो। अपने उसी काम से प्रेरणा लेकर के अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को जब टेक ओवर करा तो 5 कॉमिक्स का सीरीज था, मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी अवेयर भी होंगे, संपूर्ण खजान नाम से कलेक्टर एडिशन भी आ रहा है, 5 कॉमिक्स का सीरीज था, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, शाकरवा का चक्रव्यूह, नागराज कांत, जहर, नागपाश और खजाना। तो 5 कॉमिक्स का स्टोरी आर्क लेकर के सेम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, मुझे तो ऐसा लगता है, अब आपको पर्सनली कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारों कौन से जो एक स्टोरी आर्क या एक कॉन्सेप्ट लेकर के चले थे अनुपम सिन्हा जी, उसी चीज़ को फॉलो करते हुए उन्होंने नागपाशा को सेंटर में रखा, और नागपाशा ने जो है फिर अदर विलेंस को क्रिएट करा, फिर वही बात है, पर वो एक अलग तरीके का गेट टुगेदर था। वैसा ही गेट टुगेदर आपको फिर अब आदि पर्व में मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब अनुपम सिन्हा जी ने जो भी कहानियाँ रची हैं उनसे खुद अनुपम सिन्हा जी भी प्रेरणा लेते हैं और भी प्रेरणा लेते हैं, और नितिन मिश्रा जी की जो एज होगी आई थिंक वो अनुपम सिन्हा जी से छोटे होंगे, नए पीढ़ी के लेखक हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुपम सिन्हा जी उनके गुरु के समान होंगे, और अच्छा है मतलब, तो इंस्पायर होना पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं। और नितिन मिश्रा जी की जो लेखनी है उसका मैं लोहा मान चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने एक नई स्टोरी लिखना एक अभी एक बात और चैलेंज होता है, प्लस पुराने स्टोरीज की रिटेलिंग करना भी एक चैलेंज होता है, और लोगों को पसंद है और पसंद आ रही है, नो डाउट स्टोरी अच्छी लिखी है, सब कुछ अच्छा है, बट जो कंपेयर करते हैं ना उठा करके, लोग बोले कि यार ये बहुत अच्छी है नाग पटना, ये बिल्कुल बकवास है ना, या फिर ये बकवास है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों बिल्कुल अलग ही, मतलब दोनों का आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि दोनों का कोई कनेक्शन है, कम्प्लीटली अलग ही स्टोरी चल रही है, इधर अलग ही चल रही है, ये नागराज अलग है, ये पूरे इवेंट्स अलग है, इवन पीछे का बैकग्राउंड फील सब कुछ अलग मिलेगा आपको, यहाँ का बिल्कुल अलग मिलेगा, इवन पेज क्वालिटी अलग मिलेगी, ये हमारे रेगुलर जो राजकुमार का फील था थोड़ा सा बिग साइज़ में अच्छा सुकून मिला ये अमर चित्र का थर्ड साइज़ में, और ये अलग ही डिफरेंट लेवल की कॉमिक्स है, पेजेस बिल्कुल अलग क्वालिटी के आपको मिलेंगे, बिल्कुल अलग क्वालिटी के मिलेंगे, अब तक नहीं देखेंगे इस तरीके के पेज मिलेंगे आपको, अच्छी क्वालिटी के, जिस जो जो नीडेड था वैसे पेज इसमें है, आप देख लीजिए इस तरीके का आर्ट वर्क, तो कहीं पर भी कंपेयर कहीं पर बैठता ही नहीं है। और अब जब ये पूरे होंगे ना, जब प्रलय का देवता पूरा होगा तो पता लगेगा इस टीजर का क्या मतलब था, समझ रहे, इसी तरीके से सर्प सत्र जो 4 पार्ट की सीरीज जब वो पूरी होगी तब हमें क्लियर हो पाएगा कि अनुपम सिन्हा जी ने इसमें जो 4 5 स्टोरी आर्क डाले हैं, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करी है या कुछ आंसर दिए, उनका मतलब क्या था। तो दोनों का ही इन जनरल कंपेयर तो बनता ही नहीं है, ये अपने आप में फिर भी कंप्लीट कॉमिक लगती है 4 पार्ट में से। और दूसरा किसी ने बोला कि भाई ये जो है लाइट फील होती है, इट्स परफेक्टली इन साइज, और ये बहुत हैवी है, क्योंकि मैं उठा के देख रहा हूँ दोनों मेरे को सेम ही है, वजन नहीं लग रही है, इसमें भी थिक पेपर है, और ये हैवी इसलिए थी, मैंने फेसबुक पर जवाब दिया था भाई इसमें 48 पेजेस हैं, भाई इसमें 32 पेजेस, इसमें 48 पेजेस हैं, एक और कॉमिक्स है जिसमें देखिए आप 160 से भी ज़्यादा पेजेस हैं, देखिए आपके सामने, तो ये और हैवी लगेगी, मोटा गत्ता है, अलग अलग साइज़ की कॉमिक्स आती है ना, देखिए आपके सामने है कॉमिक्स, ये देखिए ये 80 पेजी कॉमिक्स है, ये है ना 96 पेजी कॉमिक्स है, 128 पेजी कॉमिक्स है, तो निश्चित रूप से 128 पेज वाली ज़्यादा हैवी होगी, और अगर हम एक कॉमिक्स अपने हाथ में नहीं उठा सकते वजन की वजह से, तो क्या मैं क्या बोलूँ फिर, क्या कैसे कॉमिक फैन हो। तो इस तरीके के मतलब कोई मतलब ही नहीं कि भाई ये ज़्यादा हैवी है, ये लाइट है, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो ये भी हैवी हो जाएगी जब प्रलय देवता आएगी, जब साइज़ भी बोले इसका बड़ा, अरे भाई जिससे ज़रूरत थी ओल्ड जो फील के साथ में उसको थोड़ा एनलार्ज करके इस तरीके साइज़ बना जो अच्छा लग रहा है, और इसका जो फील ही अलग लिया है संजय गुप्ता जी ने, ग्राफिक लोगों ने फील लिया है, तो वैसा आ रहा है फील,
एक अच्छी बात है जी, जिस तरीके का साइज़, जिस तरीके की आर्ट, जिस तरीके की कलरिंग ली गई है वो इसके लिए परफेक्ट है, और जिस तरीके का सब कुछ यहाँ लिया गया वो इसके लिए परफेक्ट है। आदि पर्व का हालांकि मैं बाद में करूँगा कंपेयर, जो प्राइस के हिसाब से ये साइज़ जस्टिफाइड नहीं था, ये बोलूँगा। अगर आदि पर्व भी इसी साइज़ में, इसी कलर और इसी तरीके के आर्ट के साथ में आई होती तो ये जस्टिफाइड होता, मैं इसकी बात ही करूँगा नेक्स्ट मेरे डिटेल वीडियो में। तो नाग प्रलय के बारे में विदाउट स्पॉइलर इतना ही मेरी तरफ से था कि नाग प्रलय जो है वो आप एक सेकेंड पार्ट मान सकते हो। फर्स्ट पार्ट जो है 4 पेजेस है URM में, सेकेंड पार्ट इसमें 24 पेजेस हैं, उसके बाद आपको 120 या 128 पेजेस का प्रलय का देवता मिल जाएगा, और बाद में हो सकता है इसका कोई कलेक्टर एडिशन भी आए प्रलय के देवता रूप में। नागराज और तोसी पहली बार टकराएंगे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के यूनिवर्स में, और उसके बाद के टकराने की प्लानिंग भी हो चुकी है। आदि पर्व जो दिख रही है उसका भी रिव्यू मैं करूँगा अभी, तो उसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है आदि पर्व भी देखिए, उसमें भी तोसी की एंट्री हो चुकी है, उसकी भी पूरी बात करी जाएगी। तो तोसी आपको हर जगह मिलने वाला है। सर्प सत्र से कंपेयर करूँ तो साइज़ कंपेयर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, साइज़ में नो डाउट नाग प्रलय बड़ी है, पर समझो जैसे कहावत भी है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फुला गया थी दूर, तो कहने का मतलब सिर्फ आप ऐसा बोलो कि बड़ी है तो अच्छी है, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ बुरी भी नहीं है। मैं एकदम से ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत अच्छी है बुरी नहीं, ये आपके सामने बिल्कुल है, डिफरेंट लेवल का आर्ट है, बहुत दोनों ही अलग ट्रीटमेंट के साथ में आए हैं, लेकिन हाँ ये कॉस्टली लगी है। और उसका तरीका ये भी है कि जो संजय गुप्ता जी नॉवल्टीज़ वगैरह देते हैं, मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो न्यू कॉमिक्स आ रही है उनके साथ कोई नॉवल्टी नहीं दी गई है, तो वो भी एक कंसिडर करने की चीज़ है। तो डिपेंड करता है, अलग तरीके के रीडर्स हैं, अलग तरीके के कस्टमर्स हैं, जिसकी डिमांड होती है वैसी सप्लाई होती है। लोगों को नॉवल्टीज़ भी पसंद है तभी ये युगारंभ नाग प्रलय वगैरह आते पर चल रहे हैं, लोग बिक रहे हैं, तो इस तरीके का है। तो अब बोलो कि भाई कॉस्टली है या साइज़ अलग है, ऐसा है कुछ लोगों ने बोला, मैंने देखा कि अनुपम सिन्हा जी का आर्ट कबाड़ जैसा है, ऐसा भी मैंने बट सुनने को मिला है। मैं जो फ्रेंकली बता देता हूँ, तो भाई अगर मैं ये बोलता हूँ, आपने जो भी अफवाहें सुनी होंगी या जो भी सच सुना होगा कि राज कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक है या उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, या मैं बोलूँगा कि कुछ पुराने कॉमिक्स जैसे कि इस तरीके की जो विंटेज कॉमिक्स है ओरिजिनल वो काफ़ी कॉस्टली बिकती हैं, 1-2 हज़ार की भी बिकती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि खजाना एक जो कलेक्टर एडिशन था वो 10-12 हज़ार में बिका, तो वो सारा वर्क जो मैं देखता हूँ आउट ऑफ स्टॉक है या ब्लैक में कभी सेल हुआ है या लोगों के पास खास डिमांड है, वो अनुपम सिन्हा जी का वर्क मुझे देखने को मिलता है। इवन जिन लोगों ने ऐसा बोला कि अनुपम सिन्हा जी का वर्क जो है आर्ट जो कबाड़ जैसा है, तो वो भी मेरे को अनुपम सिन्हा जी की कॉमिक्स लेते खरीदते और पढ़ते और उनका रिव्यू करते हुए नज़र आए। तो यदि मैं सोचता हूँ कि अगर कोई चीज़ अगर इतनी ही कबाड़ जैसी है तो उसकी जगह वही होनी चाहिए, तो हम उसे क्यों परचेज करें, तो ये तो खैर बिल्कुल भी सत्य नहीं होगा। तो ये आपके सामने सर्प सत्र और नाग प्रलय है, इसके भी काफ़ी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। नाग प्रलय का ये मेरा सेकेंड वीडियो है, पहला एक अनबॉक्सिंग वीडियो था। और आप मुझे कमेंट करके बताएं जो भी आपके सुझाव हो इसके बारे में, आपको और वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरीके का वीडियो आप देखना चाहते हैं। स्टोरी का अगर साइनोप्सिस की आप बात करेंगे तो आई थिंक हमें प्रलय का देवता का वेट कर लेना चाहिए, तब जाके मैं इसके स्टोरी का साइनोप्सिस का वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि स्टोरी काफ़ी छोटी है और उसमें भी फाइटिंग सीक्वेंसेस काफ़ी हैं, तो अगर उसका समअप आप करोगे तो वो छोटी स्टोरी निकलेगी, वो फिर स्पॉइलर सा हो जाएगा, मज़ा भी नहीं आएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा हिसाब किताब, ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ आदि पर्व के बारे में थोड़ा साइनोप्सिस मिल सकता है क्योंकि उसमें कंटेंट है, वो आपको मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपना नाग प्रलय का डिटेल रिव्यू प्लस सर्प सत्र के साथ उसका कंपैरिजन को एंड करता हूँ, और ये कंपैरिजन होना भी नहीं चाहिए, वो तो कि काफ़ी सोशल साइट्स में देख रहा हूँ, वीडियोस में देख रहा हूँ, तो मैंने इसलिए साथ में रखी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आदि पर्व का ही होगा डिटेल रिव्यू, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।